दोस्तों, देश के जाने माने 132 लोगों ने, जिनमें पत्रकार भी हैं, जजेस भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, प्रभावशाली लोगों ने पुलित्जर कमेटी को एक लेटर लिखा है और लेटर लिखकर ये बताया है कि आपने एक फेक न्यूज, एक झूठी खबर पर पुलित्जर प्राइज दे दिया है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है यासीन डार की उस फोटो की जिसमें एक बच्चे का शव पड़ा है और आसपास उसके परिजन शोक मना रहे हैं। और यासीन डार ने उस फोटो के नीचे लिखा है कि इस 12 साल के बच्चे को सुरक्षा बलों ने, भारत की सेना ने मार दिया। ये एक फेक न्यूज है, एक झूठी खबर है और इसको कोई थोड़ी सी भी गूगल करके सर्च करके पता लगा सकता है। इस खबर के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा, वायर ने क्या लिखा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा, वहां साफ लिखा हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की सभी खबरों में कि इस बच्चे को एक पाकिस्तानी आतंकवादी अली ने मारा। जी हाँ, एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने मारा, वो पाकिस्तानी आतंकवादी अली और उसका साथी हुबैब। अली ये चाहता था कि इस बच्चे की बहन से शादी करे, उसे अपने साथ लेके जाए। एक कश्मीरी परिवार की लड़की को लेकर जाना चाहता था पाकिस्तानी आतंकवादी। लड़की के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो लेके जाए, इसीलिए लड़की को घर से दूर भेज दिया और इसी कारण पाकिस्तानी आतंकवादी अली ने इनके घर के लोगों को बंधक बनाया। पाकिस्तानी आतंकियों ने 12 साल के नाबालिग कश्मीरी बच्चे आतिफ मीर को मार दिया। ये वही अली है जिसने इससे पहले भी एक कश्मीरी व्यक्ति को उसके बेटे के सामने गर्दन काट के मार दिया था, एक दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादी। लेकिन यासीन डार उसका सपोर्ट करते हैं, उसे हीरो बनाते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी और इस्लामिक जिहाद का सपोर्ट करते हैं, उनको आप प्राइज देते हैं, पुलित्जर प्राइज देते हैं। मुझे ये लगता है कि पुलित्जर कमेटी को इस फेक न्यूज को अगर अवार्ड दिया है तो ये आपकी प्रोसेस पे भी सवाल उठाता है, आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन पे भी सवाल उठाता है। और एक सीधा सवाल आपसे पूछना जरूरी है, ये डैनियल पल को जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा था, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? क्योंकि इनडायरेक्टली इस अवार्ड को देकर आप उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जो इस्लामिक जिहाद अमेरिका के खिलाफ भी चलाते हैं।